हेलो और वेलकम बैक टू मोर डॉक्टर। आज अपने पास है दोनों 250 cc की गाड़ियाँ, तो अपने टाइम की दोनों लेजेंडरी है। ये 2009 में मतलब आई थी इंडिया में, और ये 2014 में, मतलब ह्यूसंग वेरिएंट बहुत पहले से 2012 में आया था, और ये 2009 में आई थी। ये है 2014 मॉडल, ये भी 2014 मॉडल। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है इसके पार्ट्स के रिलेटेड, या फिर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इंजन के पार्ट्स। दोनों गाड़ियों का बात कर रहा हूँ मैं, तो फिलहाल ये गाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो ये गाड़ी का सीन ऐसा है कि ये गाड़ी की जो कंपनी है इंडिया से निकल चुकी बाहर, तो ये लोग ने बेनेली के साथ टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो इसका दिक्कत ऐसा आता है कि पार्ट्स जो है वो सर्विस सेंटर में भी नहीं मिलते, कहाँ पे भी नहीं मिलते, और जो भी चल रहे हैं पार्ट्स वो पूरे सेकेंड हैंड मार्केट में पूरे सेकेंड हैंड पार्ट्स ही चल रहे हैं, ठीक है। और ये अभी बात करते हैं CVR 250 के बारे में। तो इसका जो है सर्विस सेंटर में पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन 6-6 महीने का 7-7 महीने का वेटिंग है। तो ठीक है, अगर ये दोनों गाड़ी आपके पास है ना भाई, तो आपको मेरी ज़रूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर दें। और बहुत सारे लोग डाउट भी, मतलब बहुत सारे लोगों का डाउट भी रहता है कि भाई सेकंड में या फिर ये वाली मशीन, दोनों में से एक मशीन बहुत से लोगों का मतलब चाहिए रहती है। तो अगर चाहिए भी रहेगा तो ये ह्यूसंग डायमंड शेप या फिर आर फॉर्मेट वो भी मिल जाएगा, CVR 250 वो भी मिल जाएगा, 150 वो भी मिल जाएगा। खाली थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अपने को 5-6 दिन का, जब भी मार्केट में अवेलेबल रहेगा मैं आपको दिला दूंगा। तो पहले शुरुआत करते हैं अपने जापनीज इंजन से। तो ये है CVR 250। तो बहुत से लोगों को डाउट रहता है इसके आफ्टर मार्केट लीवर्स या फिर इंजन के पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसके विंडशील्ड वगैरह के बारे में, ठीक है। तो देख लो, ये है स्टॉक विंडशील्ड, ठीक है। प्रॉपर फिटिंग है, जो अपन आफ्टर मार्केट लेते हैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा गैप वगैरह आता है, और बहुत से लोग मतलब डिमांड करते कि भाई डीबी वाइजर लगाने, उसके अंदर बहुत सारे गैप्स वगैरह थे, प्रॉपर फिटिंग नहीं आ पाती। तो आपके लिए यही एक वाइजर लेके आया हूँ, डीबी वाइजर भी है प्लस प्रॉपर फिटिंग भी है। तो मैं दिखा इधर से, एकदम प्रॉपर फिटिंग है। और उसके बाद लाए हुए आफ्टर मार्केट लीवर्स, ग्रिप्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको मार्केट में मतलब जल्दी देखने नहीं मिलती, बहुत सारे वेटिंग वगैरह है। और इसके बॉडी पार्ट्स, सबसे मेन चीज जो बॉडी पार्ट्स है, कंपनी में लेने जाओगे 6-7 महीने की वेटिंग है, हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जो 2016 और 19 का जो मॉडल्स है, जिसको यहाँ से भी स्टिकर है और यहाँ पे CVR नाम का स्टिकर है, तो वो थोड़े से अवेलेबिलिटी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन बाकी जब बेसिक वाले पार्ट्स है, ये वाले जिसपे नॉर्मल CVR लिखा हुआ है, ब्लैक वाले, तो फिर येल्लो वाले, तो वो सब पूरे रेडी में अवेलेबल रहते। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाता है, तो कस्टमर को लेट जब भी पहुँचते थोड़ा सा शिपिंग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स है, फाइबर पार्ट्स है, मतलब पैक करने को टाइम लगता है, या फिर बड़ा बॉक्स रहता है, तो वो कुरियर की तरफ से थोड़ा सा दिक्कत आता है। और अभी बात करते हैं ह्यूसंग GT 250 के बारे में। तो बहुत से लोग हैं जो इसको लेके बहुत सारे ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत सा मतलब इसका पार्ट्स का भी झंझट मारी है, और गाड़ी भी ऐसे ही खड़ी रहती है, 6-7 महीने लिटरली गाड़ी खड़ी रहती है। तो फिर अभी इसके बारे में बात करता हूँ। तो इसके पार्ट्स जो है न्यू, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं, और जो भी मतलब इंजन के भी पार्ट्स है, जो सबसे सब सेकेंड हैंड ही डालना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड हैंड पूरा पार्ट जो है सेकेंड हैंड मार्केट पे टिका हुआ है गाड़ी का, ठीक है। तो इसके भी जो भी आफ्टर मार्केट है, ये इंडिकेटर्स वगैरह है, छोटे मोटी चीज़, ये तो मैं आपके मतलब आपको नए में एकदम दिलवा दूंगा। मेरा नंबर आता रहेगा इधर स्क्रीन के ऊपर, तो उसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। तो बाकी सब छोटे मोटे इसके नए पार्ट्स, सेकेंड हैंड पार्ट, इसके नए पार्ट, सेकेंड हैंड पार्ट, दोनों भी मैं दिला सकता हूँ, ठीक है। और इसकी फेयरिंग सबसे मेन बात, मेरे को 2-3 रिक्वायरमेंट आया था इसके फेयरिंग के बारे में। तो इसका फेयरिंग मोस्ट ऑफ जल्दी अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि डायमंड शेप है इसका। अगर ओल्ड वाला वर्जन 2013 मॉडल आर कॉमेट के बारे में बात करो, तो इसका फेयरिंग हमेशा मिल जाता है, किसके पास भी मिल जाता है, मेरे पास भी या फिर और किसी के पास भी अवेलेबल, मतलब अवेलेबल रहता है। लेकिन ये डायमंड शेप है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सीन होता है इसके मतलब फेयरिंग के बारे में, तो जल्दी अवेलेबल नहीं होता। और नया भी मंगाने जाओ तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, जो इसको ओन करता है उसको पता है, ठीक है। और ये लोअर बेली तो रेडी में रहती है, अपने पास अवेलेबल रहती है, सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, नए के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लोअर बेली भी अवेलेबल रहती है। और ये डिस्क पैड, डिस्प्लेट, ये छोटे मोटे जो मतलब PM पार्ट्स बोलते हैं, पेरियोडिक मेंटेनेंस पार्ट, वो अपने पास रेडी में अवेलेबल रहते हैं, डिस्क पैड से लेके हर एक चीज़, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई COD वगैरह हो जाएगा क्या, लेकिन COD वगैरह अपने पास मतलब वो फैसिलिटी नहीं है। अगर आपको चाहिए, मैं अपने शॉप का कार्ड भी मेंशन कर दूंगा, अगर आप मुंबई से हो तो
कोई प्रॉब्लम नहीं, आज डायरेक्ट आ जाओ शॉप के ऊपर, आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। खाली बस एक बार फ़ोन करके आना, क्योंकि हम लोग दोनों कभी कभी बाहर जाते, मतलब शुभम भी बाहर जाता है, मैं भी बाहर जाता हूँ, तो शॉप पे कोई नहीं रहता, फिर आप आके मतलब ये करोगे कि शॉप पे कोई नहीं था। तो पहले फ़ोन करना है या फिर मैसेज करना है, उसके बाद आ जाओ। और कोई भी पार्ट्स अगर लगता रहेगा, नहीं दो गाड़ियों का नहीं, अगर कोई भी गाड़ी का लगता है तो मेरे को मतलब एक फ़ोन या फिर एक व्हाट्सएप कर देना कि भाई ये गाड़ी का पार्ट चाहिए। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन मंगा के ज़रूर दे दूंगा। ये दोनों का तो अवेलेबल मतलब रहता है, इसका सेकेंड में, इसका न्यू में बॉडी पार्ट चाहिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसका हर एक चीज़ अवेलेबल रहता है, लेकिन इसका पार्ट जो है सेकेंड में बहुत मुश्किल मिलता है, वो मेरे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा नंबर आप सेव कर लेना, मेरे को कॉन्टैक्ट कर देना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।